What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज इट्स डे, लेकिन इतिहास में शायद ही कोई ऐसा कुत्ता रहा होगा जिसने एक देश की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। अब आपको शायद ये बात बचकानी लगे, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ है। जी हाँ, अभी इस बात को बहुत समय नहीं बीता है जब हमें एक कुत्ते से ही जुड़ा हुआ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है जिसने न केवल भारतीय राजनीति की धारा को बदल कर रख दिया, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर को एक ऐसा चढ़ता हुआ सूर्य दिया जिसकी तपिश भारत के सभी जाने माने राजनेता अनुभव कर रहे हैं। किसी को ये तपिश पसंद आई और किसी को नहीं, पर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इस तपिश ने बीजेपी को और अधिक धारदार बना दिया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं असम के फेमस चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा की, जो यूं तो पिछले ढाई दशक से असम के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके भविष्य और साथ साथ भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ राहुल गांधी का डॉगी पिदी, जिसने हिमंता जी को असम से निकलकर एक देशव्यापी नेता बनाने का एक अहम रोल प्ले किया। असल में हिमंता बिस्व शर्मा खुद बताते हैं कि मामला तब का है जब शर्मा असम में कांग्रेस पार्टी का एक प्रखर चेहरा हुआ करते थे। इसी के चलते 2016 के असम स्टेट इलेक्शन के पहले वो कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर तत्कालीन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के आवास जा पहुंचे। शर्मा बताते हैं, जब वो राहुल गांधी के साथ सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस कर रहे थे तो उस इशू को गंभीरता से सुनने के बजाय राहुल गांधी अपने डॉग पिदी को बिस्किट खिलाने में बिजी थे। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हिमंता को मानो एक रियलिटी चेक दे दिया। राहुल गांधी के इस बर्ताव ने शर्मा और असम की पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरे भारत के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया, और बदला भी ऐसा कि आज न केवल हिमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम है, बल्कि बीजेपी में उनके रोल को देखते हुए उन्हें कभी मोदी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तो कभी उनकी तुलना अमित शाह से होती है। तो चलिए, आज हम हिमंता बिस्व शर्मा के उतार चढ़ाव से भरे इसी पॉलिटिकल करियर को जरा करीब से जानते हैं, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिमंता बिस्व शर्मा ने ऐसा क्या किया कि आज देश के बड़े से बड़े लीडर उनके तेजी से बढ़ते कद के सामने छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, यूं तो हिमंता बिस्व शर्मा ने पॉलिटिकल एक्टिविज्म की शुरुआत अपने कॉलेज डेज में ही कर दी थी, जब वो 1992 में कॉटन कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट हुए थे। यूं तो आज ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि असम के 15 चीफ मिनिस्टर्स में से 7 इसी इंस्टीट्यूशन की देन है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अपने शुरुआती दिनों में फॉर्मर सीएम और कांग्रेस लीडर हितेश्वर सैकिया हिमंता के मेंटर हुआ करते थे, लेकिन राजनीति के असली मैदान पर उनका डेब्यू कांग्रेस की टीम से खेलते हुए एक सेंचुरी के साथ हुआ। 2001 के असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में शर्मा जलुकबरी सीट से पहली बार विधायक पद के लिए इलेक्ट हुए। यहाँ उन्होंने असम के पुराने वेल एक्नॉलेज लीडर और 3 बार के सिटिंग एमएलए भृगु कुमार फुकन को हराया था। भृगु कुमार असम मूवमेंट के उन लीडर्स में से एक थे जिन्होंने 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ असम अकॉर्ड पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में अपने पहले इलेक्शन के साथ शर्मा ने असम के सेंटर ऑफ पावर में अपनी एक खास जगह बना ली थी। साथ ही इसके बाद हुए 2006 और 2011 इलेक्शंस में भी उन्होंने लगातार इसी सीट से अपनी जीत को जारी रखा। इस बीच शर्मा लगातार मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर के रोल में बहुत से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि पर स्थापित रहे। यही नहीं, 2006 में असम के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ और बाद में एजुकेशन के एडिशनल चार्ज के अपने टेन्योर के दौरान शर्मा ने जोरहाट, बरपेटा और तेजपुर में 3 मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। साथ ही उन्हीं के द्वारा शुरू किए हुए 5 और मेडिकल कॉलेज जो दीपू, नगांव, धुबरी, नॉर्थ लखीमपुर और कोकराझार आज अपने कंप्लीशन के वेरियस स्टेजेस में हैं। हिमंता बिस्व शर्मा के अनमैचेबल ऑरेटरी स्किल्स, पार्टी मैनेजमेंट और जमीनी मुद्दों से लेकर हाई टेबल्स तक की समझ की वजह से हर किसी का यही मानना था कि एक ना एक दिन हिमंता असम के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। साथ ही हिमंता की इमेज एक मास लीडर की है, जहां उनके स्टेट असम में उन्हें यूथ प्यार से मामा कहती है। स्टेट चाहे किसी भी क्राइसिस से गुजर रहा हो, हिमंता ग्राउंड पे दिखाई देते हैं, लेकिन एक सीजन पॉलिटिशियन होने के सारे लक्षण दिखाते हुए इस बीच उन्होंने खुद अपनी ओर से सीएम की कुर्सी के एम्बिशन को कभी डिस्प्ले नहीं किया। वो हमेशा तरुण गोगोई गवर्नमेंट और सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप के साथ अपना बैलेंस बनाए रहे।
मगर सूत्र बताते हैं कि 2016 असेंबली इलेक्शंस के एक दो साल पहले से ही दिल्ली कांग्रेस या राहुल गांधी के दफ्तर के चक्कर लगाने का असल कारण हिमंता का यही हिडन एम्बिशन था, क्योंकि 2014-15 से ही ये बात साफ होने लगी थी कि असम के तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को स्टेट पॉलिटिक्स में प्रमोट करने के मूड में है। ऐसे में हिमंता, जो अब तक पूरे पेशेंस के साथ अपनी पॉलिटिकल जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, उनके धैर्य ने जवाब दे दिया। इसी के चलते जुलाई 2014 में शर्मा ने गोगोई गवर्नमेंट में अपने सारे पोर्टफोलियो से भी इस्तीफा दे दिया था, और इसी के बाद वो असमंजस में थे कि अब वो कांग्रेस में रहें या इसे भी छोड़ दें। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपनी इसी मुश्किल और स्टेट पार्टी में अपने भविष्य को लेकर उठ रही असमंजस की स्थिति को सुलझाने के लिए ही हिमंता 2015 में कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मिलने गए थे, जहां उनकी मुलाकात विधि से हो गई, और इसी मुलाकात के बाद ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला लिया। लेकिन आने वाले समय में हिमंता का एक नया उदय होने वाला था, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की थी। दोस्तों, कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को अमित शाह के नई दिल्ली स्थित निवास पर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनके इस फैसले को उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस और नई पार्टी बीजेपी दोनों से ही मिक्स रिएक्शन मिले, जहां एक ओर उनके क्रिटिक्स उन्हें मौका परस्त या अपॉर्चुनिट्स कह रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पुराने साथी हिमंता की एंट्री से नाराज थे। इसी बीच शर्मा के पॉलिटिकल एक्यूमेंट को समझते हुए 2016 के अपकमिंग असम स्टेट इलेक्शंस को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का पार्टीज कन्वीनर अपॉइंट कर दिया। इस बार बीजेपी के इस फैसले पर असम के लोकल बीजेपी लीडर द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। असल में शर्मा का पॉलिटिकल करियर भी लुइस बर्गर स्कैम और शारदा ग्रुप पोंजी स्कीम जैसे एक्विजिशन से दागदार था। ऐसे में वो बीजेपी पार्टी लीडर जो एक समय इन्हीं मुद्दों को लेकर हिमंता को घेरा करते थे, आज उन्हीं को स्टेट इलेक्शंस के लिए बीजेपी की कमान देना यहाँ के लोकल लीडर्स के गले नहीं उतर रहा था। लेकिन इन तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी की लीडरशिप की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हिमंता बिस्वा ने ऐसा कमाल दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार किसी स्टेट में बीजेपी का कमल खिल गया, जिसके बाद पार्टी में उनके विरोध के स्वर भी अपने आप नरम पड़ गए। मई 2016 में एक बार फिर शर्मा जलुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म में सिलेक्ट होते हुए बीजेपी की टिकट से असम असेंबली में पहुंच गए। यही नहीं, असम की न्यूली अपॉइंटेड सर्बानंद सोनोवाल गवर्नमेंट में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई और उन्हें फाइनेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सौंप दिए गए। मगर इसके बाद भी हिमंता के क्रिटिक्स और खासतौर पर कांग्रेस के उनके पुराने साथी उनसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर इस दल बदल से उन्हें पर्सनल लेवल पर क्या लाभ मिला। आफ्टर ऑल, असम की कांग्रेस गवर्नमेंट में भी वो एक्स सीएम तरुण गोगोई के बाद सेकंड रैंक पे ही माने जाते थे, और इस तरह के पोर्टफोलियोस तो उन्हें वहां पर भी मिल रहे थे। मगर शायद हिमंता के क्रिटिक्स ने ये प्रश्न करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि जल्द ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बीजेपी को स्थापित करने के लिए मई 2016 में एस्टैब्लिश किए गए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में हिमंता को कन्वीनर बना दिया गया। जिस तरह मेनलैंड इंडिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करती है, ठीक वैसे ही स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और नीड्स को समझते हुए यहाँ पर एनईडीए को स्थापित कर दिया गया। इस नए दल में हिमंता की भूमिका यही थी कि वो कांग्रेस और नॉर्थ ईस्ट की दूसरी पार्टीज के ऐसे एस्टैब्लिश्ड मेंबर्स को बीजेपी की ओर लाएं जो अपनी पार्टीज या उसकी पॉलिटिक्स से नाखुश हैं। यही नहीं, एनईडीए के दरवाजे उन सभी रीजनल पार्टीज के लिए भी खुले थे जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़कर उसके अलायंस में चुनाव में उतरना चाहती थी। हिमंता ने अपना ये नया रोल भी बखूबी प्ले किया, फिर चाहे वो असम के काउंसिल इलेक्शंस हों या फिर नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे दूसरे राज्य, यहाँ पर बीजेपी को स्थापित करने में हिमंता ने एक की रोल प्ले किया। नतीजा ये हुआ कि 2021 में हुए असम इलेक्शंस में हिमंता बिस्व शर्मा को असम के सीएम पद की कुर्सी सौंप दी गई। बहुत से लोगों के लिए ये फैसला चौंकाने वाला था। कारण ये था कि चुनाव के नतीजों के बाद सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंता को सीएम बनाए जाने की घोषणा करी गई थी। इस बीच एक दौर वो भी था जब सोनोवाल और हिमंता दोनों ही दिल्ली बीजेपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। साथ ही बहुत से पार्टी कार्यकर्ता का ये मानना था कि हिमंता बीजेपी के दूसरे सीएम कैंडिडेट्स की तरह आरएसएस हार्डलाइनर नहीं है।
ऐसे में ऑलरेडी एस्टैब्लिश सोनोवाल को ही चुना जाना चाहिए। लेकिन लेजिस्लेचर के सपोर्ट और हिमंता की कैपेबिलिटीज को देखते हुए बीजेपी लीडरशिप ने वो गलती नहीं दोहराई जो 5 साल पहले कांग्रेस ने की थी। साथ ही हिमंता इस बीच अपनी लॉयल्टी और पॉलिटिकल एक्यूमेन दोनों एस्टैब्लिश कर चुके थे। यूं तो सोनोवाल गवर्नमेंट की अरुणोदय जैसी बहुत सी सोशल वेलफेयर स्कीम का हिमंता को ही ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, मगर खास तौर पर कोविड के दौरान जब हिमंता के पास राज्य की हेल्थ मिनिस्ट्री थी तब उनके काम को ग्राउंड लेवल पर काफी सराहना मिली थी, जहां लार्ज कोविड सेंटर को सेटअप करने के काम को खुद सुपरवाइज करने से लेकर हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना और पर्सनली क्वारंटीन सेंटर्स विजिट करने जैसे कदमों के लिए उन्हें क्रिटिक से भी सराहना मिली। ऐसे में इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हिमंता को असम का सीएम नियुक्त करना एक ऑब्वियस चॉइस थी और अंत में इस फैसले में सोनोवाल भी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2016 के बाद से ही धीरे धीरे करके हिमंता बिस्व शर्मा ने अपनी पॉलिटिक्स और चीजों को लेकर अपनी अप्रोच को काफी बदल दिया। जहां वो पहले एक और असम के लोगों की एथनिक आइडेंटिटी की बात करते थे और असम में हो रहे इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठा रहे थे, वहीं अब उन्होंने इस बीजेपी के अंडर एक राइटिस्ट शिफ्ट दे दिया, जहां वो एथनिसिटी के साथ साथ बढ़ चढ़कर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते रहे। यही नहीं, 2016 के बाद से ही हिमंता ने कांग्रेस और उसके पुराने एलाई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के खिलाफ मानो अकेले मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने अपनी ऑरेटरी स्किल से कांग्रेस के पार्टी आलाकमान से लेकर AIUDF के चीफ परफ्यूम बारों और लोकसभा MP बदरुद्दीन अजमल को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही हिमंता ने असम के मदरसों को डिफंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में बदलने के साथ साथ पब्लिकली गुवाहाटी में मियां म्यूजियम के आइडिया को जंग करने का काम भी ओपनली किया। साथ ही 2021 में हिमंता ने खुले शब्दों में कहा कि उन्हें या बीजेपी को मियाज मुस्लिम या अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान से आए बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम के वोट्स की जरूरत नहीं है। एनालिस्ट का मानना है कि बीते 2 state election में नॉर्थ असम में बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर का एक अहम कारण हिमंता की यही हिंदू हार्डलाइन पॉलिटिक्स है। वहीं खास तौर पर लव जिहाद को टैकल करने के लिए बनाए गए असम मैरिज बिल के भी सूत्रधार हिमंता ही थे। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड CAA और NRC के मुद्दों पर फ्रंटफुट पर खेलते हुए हिमंता बिस्व शर्मा ने अपनी राजनीति से ये साफ कर दिया क्या वो केवल असम की एथनिक पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि हिंदू हार्डलाइनर पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। इसी के चलते CM शर्मा के हाल ही में लिए गए एक्शंस भी इसी ओर इशारा करते हैं, जहां उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने से लेकर स्पेसिफिकली माइनॉरिटी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए पॉलिसी मेजर्स लेने तक के स्टेप्स लिए हैं। शर्मा के इस चेंज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने ही उन्हें नॉर्थ ईस्ट को कंसोलिडेट करने में भी एक अहम रोल प्ले किया, जो शायद सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी के ग्राउंड पर नहीं हो पाता। इसीलिए आज हिमंता बिस्व शर्मा को केवल असम के CM के तौर पर ही नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल बीजेपी लीडर और मास्टरमाइंड के तौर पर भी देखा जाने लगा है, जहां उनकी तुलना एक और अपने स्टेट पर स्ट्रांग होल्ड और राइट विंग आइडियोलॉजी की वजह से यंग नरेंद्र मोदी से की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर शर्मा के पॉलिटिकल एक्यूमेन की वजह से उनका कंपैरिजन अमित शाह के बीजेपी हेड के अपने टेन्योर से भी किया जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि करंट इंडियन पॉलिटिक्स में अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य क्यों बोला जाता है। उन्हें ये टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि एक पार्टी के रूप में बीजेपी के पॉलिटिकल स्टेटस को एस्टैब्लिश करने में उन्होंने एक की रोल प्ले किया, जहां खास तौर पर 2013 के बाद बीजेपी को स्टेट्स में लगातार मिलती विक्ट्रीज का श्रेय उन्हीं के मास्टरमाइंड को दिया जाता है, जो अपनी पार्टी के इलेक्शन से पहले और यहां तक कि बाद में भी हार जीत के समीकरणों को बदलने की काबिलियत रखते हैं। जो काम अमित शाह ने मेनलैंड इंडिया में किया है, ठीक वैसा ही कुछ हिमंता बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ना केवल असम में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है बल्कि यहाँ के वो सभी राज्य जहाँ एक समय में बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट थी, वहाँ वो लगातार प्राइम सेंटर की ओर बढ़ती देखी जा रही है। और खास बात यह है कि हिमंता ने ये सब असम के चीफ मिनिस्टर रोल को प्ले करने के साथ साथ किया है। और तभी अगस्त 2022 के एक सर्वे के मुताबिक हिमंता योगी आदित्यनाथ के बाद देश के सेकेंड मोस्ट पॉपुलर CM है। आफ्टर ऑल, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हाल ही में इंसर्जेंसी स्टेट नागालैंड के CM बने नेफ्यू रियो ने बीजेपी का गठजोड़ बनाने और वाइटल बॉर्डर स्टेट त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने के लिए वहां के CM पद पर मनिक साहा को एस्टैब्लिश करने का श्रेय हिमंता बिस्व शर्मा को ही जाता है।
इस तरह मेघालय में भी कॉनराड संगमा लेड नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी के सहयोग से गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में भी हिमंता बिस्व सरमा ने ही की रोल प्ले किया। सरमा के इन्हीं प्रयासों का ये नतीजा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज तक कांग्रेस और छोटी रीजनल पार्टीज द्वारा डोमिनेट किया जाता था, वहां अब एक के बाद एक कमल खिलता जा रहा है। हिमंता बिस्व सरमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज को अलग अलग मुद्दों पर एक के बाद एक बीजेपी के साथ जोड़कर एक रेनबो अलायंस बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसे किसी एक आइडियोलॉजी में बांधा नहीं जा सकता। यही नहीं, इसी बीच नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की विजय रथ के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रोड़ा माने जाने वाली ममता बनर्जी और टीएमसी को भी हिमंता की एबल्ड पॉलिटिक्स ने इफेक्टिवली टैकल कर लिया। असल में ममता बनर्जी लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के घटते वर्चस्व को कैपिटलाइज करने और खुद को बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी स्थापित करने की कोशिश में थी। 2014 के जनरल इलेक्शंस में ममता की टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के साथ साथ असम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया था, जिसके चलते टीएमसी को 2016 में एक नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया था। लेकिन अब ममता की निगाहें नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को भुनाकर अपनी पॉलिटिक्स को पैन इंडिया ले जाने की थी। वो चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के पैर जमाने से पहले ही वो यहाँ के क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस से नाराज पॉलिटिशियंस को अपने साथ जोड़कर नॉर्थ ईस्ट में एक मजबूत टीएमसी एस्टैब्लिश कर लें, जिसे कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए। ममता खुद को पैन इंडिया पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करना चाहती थी और उनकी ये महत्वाकांक्षी किसी से छिपी हुई नहीं थी। यही कारण था कि ममता ने बंगाल से निकलकर सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का ही रुख किया। मगर ममता का यह प्लान भी हिमंता के बीजेपी में आ जाने और उसके बाद अपनी ही तरह की राजनीति करने से विफल हो गया। हिमंता ने जमीन से जुड़े मुद्दों को टैकल करने से लेकर क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाने तक का काम इतना बखूबी किया कि उनके आगे ममता और टीएमसी दोनों की चमक फीकी पड़ गई। साथ ही खुद को एस्टैब्लिश करने के प्रयासों में हिमंता ने लोकल प्रेस में अपने अच्छे रिलेशंस और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया कैंपेन्स का भी भरपूर सहयोग लिया। यही नहीं, बीते कई सालों में बीजेपी में बढ़ते अपने इसी वर्चस्व की वजह से ही आज चुनाव चाहे दिल्ली के हों या कर्नाटका के, असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा बीजेपी के स्टार कैंपेनर बने रहते हैं। आज बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को कांग्रेस से आए हिमंता पर कितना भरोसा है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह को जेल में लॉन्च करने की बात हो या फिर कुछ समय पहले महाराष्ट्र पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच एकनाथ शिंदे लॉयलिस्ट को होस्ट करने की, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व सरमा हमेशा एक ट्रबल शूटर की भूमिका में खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, यदि हम हिमंता बिस्व सरमा के पॉलिटिकल करियर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये एक एम्बिशन और उसे पूरा करने के लिए किए गए परसेवरेंस की कहानी दिखती है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि हिमंता बिस्व सरमा बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स में अपने लिए क्या स्थान बनाते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है कि यदि बीजेपी को 2024 में फिर से सत्ता में आना है तो उसमें हिमंता एक अहम रोल अदा करेंगे। और इसी नोट पर दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं जो आपने हिमंता बिस्व सरमा के पॉलिटिकल करियर में नोटिस करे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।